Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. Sunahri chand ko kala lagi hai. Dua ki saans aayi thi. Wo shaadi usi tareekh ko karna chah rahi hai jo tay hui thi. Kya? Wo aisa kaise keh sakte hain? अभी तो शादी नहीं हो सकती है, परत को गए दिन ही कितने गुजरे। तुम आमिर से शादी कर लो। क्या? अम्मी आप ठीक तो हैं? आपको अंदाजा है कि आप क्या बात बोल रही हैं? बेटा मुझे पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं होशोवास में हूँ। अम्मी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? दुआ की पहले भी एक शादी खत्म हो चुकी है। क्या मतलब शादी खत्म हो चुकी है? जी आंटी, मेरा मतलब है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पर मेहंदी वाले दिन बारात वापस चली गई। आप जैसे लोगों को अल्लाह बहुत इज्जत दे जिसने दुआ जैसी लड़की को अपना लिया। क्या मतलब? आप दुआ के बारे में कुछ नहीं जानती? रुक जाओ। सुना नहीं मैंने कहा रुक जाओ। दुआ पप्पा, दुआ, दुआ किसी तरह मेरे रब को रोक लो। उसकी माँ उसको वापस लेकर जा रही है। वो कह रही है कि ये शादी नहीं हो सकती। तो बेटा उसको रोक लो। मैंने कहा ना ये शादी नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रही है, चुप हो जाओ। जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, तुम लोगों ने कहा कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। देखिए अम्मी, दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कसूर तो मेरा भी नहीं है। आप ही आप समझाएं ना इन्हें। बस बहुत हो गई, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम मुझे पसंद थी, पसंद हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बना सकती, मेरी मजबूरी है। नहीं नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत कर। मेरी बहन सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहे। लेकिन मैं सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? लोग आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे आपकी। तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, और मुझे बाकी लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है। मीरा चलो। नहीं आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं दुआ को अकेले नहीं छोड़ सकता। सोच लो मीरा, माँ या दुआ। तुम जाओ मीरा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी मम्मी के साथ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली। I'm so sorry, man. I'm so sorry. Actually, I'm very sorry. ये सब कुछ जो हुआ है, मैं घर जाके अम्मी को समझाऊंगा, इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा। कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। All the best. आप सब
अंदर चले अम्मी, आज फिर हमारी दुआ की शादी खत्म हो गई। नहीं, दुआ की शादी इस बार खत्म ही होगी, ये शादी आज होकर रहेगी। किसे? आमिर से। जो कुछ भी हुआ मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? मुझे तन्हाई चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं साथ वाले कमरे में चला जाता हूँ, तुम यहाँ सो जाना। मैं समझ सकता हूँ दुआ, मुझे ये तन्हाई सिर्फ आज के लिए ही नहीं चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, कुछ वक्त दे मुझे। तुम फिक्र ना करो दुआ, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो। पुराने रिश्ते से खुद को नए रिश्ते में ढालना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल साबित होगा। बिल्कुल ठीक किया, सब कुछ ठीक किया मैंने। कुछ ठीक नहीं किया अम्मी आपने। अम्मी आप जानती थी कि दुआ मीरब से मोहब्बत करती है, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हमने तो मैं कौन सा उनकी मोहब्बत के बीच में आई, क्या बुरा किया मैंने दोनों के साथ? दुआ मीरब को पसंद करती थी, मैंने उन लोगों को घर बुलाया। फरहत की मौत के शोक के बावजूद मैंने तारीख दी शादी, जो कुछ भी करना था सब किया। और मैं क्या करती, फिर भी तुम अपनी माँ को कसूरवार कहती? अरे मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती, कैसे बर्दाश्त कर लेती कि मेरी बेटी की शादी होने से पहले फिर खत्म हो जाती? तुम क्या चाहती थी कि तुम्हारे बाप के छोड़ जाने के बाद तुम्हारी माँ भी तुम्हें छोड़ जाती? नहीं अम्मी नहीं, तो मैंने जो भी बेहतर समझा वो ही किया।
दुआ की शादी टूटने का असर तुम पर भी होता फारिया। बात समझने की कोशिश करो। अम्मी हालात ठीक हो जाते, सब कुछ ठीक हो जाता, हम इंतजार कर लेते। अम्मी किस दुनिया में रहती हो तुम? जो औरत मेरे रोने के बावजूद, मेरी मिन्नतें करने के बावजूद बारात वापस लेके जा रही, क्या कभी आती हमारी चौखट पे? किसके इंतजार में मैं बैठी रहती और आज लोगों को क्या जवाब देती मैं? मुझे अपनी सांसों पर भरोसा नहीं। मैं तो एक लम्हा भी इंतजार नहीं कर सकती थी। मगर अम्मी दुआ कैसे एडजस्ट करेगी आमिर भाई के साथ? सब कुछ ठीक हो जाए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है। ठीक होने से बेहतर था कि दुआ सारी जिंदगी शादी ही ना करती। मैंने दुआ की शादी जबरदस्ती नहीं की, उसने निकाह अपनी मर्जी से कबूल किया। अगर उसे शादी से इनकार होता तो मुझे मना कर देती। वो इनकार कर देती और आप मेरी शादी आमिर भाई के साथ कर देती। अम्मी बस कर दे झूठ बोलना, बस कर दे। मन दे धोखा खुद को और मुझको। सच पता है क्या है, आप आमिर भाई को पराया होते देख ही नहीं सकती थी। आपने पूरा फायदा उठाया आमिर भाई का और इस मौके का, और आमिर भाई ने भी। अम्मी आपने ठीक नहीं किया दुआ के साथ, नहीं किया आपने दुआ के साथ ठीक। मीरब, मीरब मेरी बात सुनो। मीरब कहाँ जा रहे हो, मेरी बात सुनो। मीरब रुको, देखो हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। तुम्हारे घर छोड़ के जाने से कोई मसला हल नहीं होगा। सलमान रोकिए मीरब, जाने दो, जाने दो इसे। दो दिन में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी जब ये इस घर से बाहर रहेगा तो। ऐसा ना उसका घर छोड़ के जाना आपके लिए मुसीबत बन जाए, आपको ही रोना पड़े। बहुत ही खुदगर्ज औरत है आप, मालूम है आपको। जितना चीखना है तुम्हें चीख लो और जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, मगर एक बात याद रखना, मैं उस लड़की के रिश्ते के लिए हरगिज़ राजी नहीं होंगी। तो आपको राजी करना ही कौन चाहता है? ठीक है, जाओ जाओ यहां से और शादी कर लो जाके दुआ से। लेकिन उसके बाद तुम मेरे इस घर में दाखिल नहीं हो सकते, ना तुम और ना तुम्हारी दुआ। हाँ तो नहीं रहना ना, संभाल कर रखे आप अपने इस घर को, जैसे आप अपनी झूठी शान और शौकत को संभाल कर आई हैं। अरे डैड के जाने के बाद आप अकेली हो गई, सारी जिंदगी खुशी नहीं मिली आपको, और अब आप हम दोनों को खुश नहीं देख सकती क्योंकि आप हमारी खुशी से जलती हैं। निकाल ली ना तुमने भी अपने दिल की भड़ास, जो पता नहीं कितने सालों से तुम्हारे दिल के अंदर दफन थी। हाँ निकाली मैंने, पर अम्मी सालों भर की भड़ास तो आप हम दोनों पर निकालती रही हैं। आप समझती हैं कि डैड की डेथ की वजह से आप इस तरह की हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर आज भी डैड जिंदा होते ना तो तब भी आप इस तरह होती। सबकी खुशियों की दुश्मन। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं हार गया हूँ, कमजोर पड़ गया हूँ और अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा? क्योंकि मैं तो आऊंगा, बार बार आऊंगा। तो आ जाएगा एक दो बार, मजीद आपको बर्दाश्त करने का हौसला है मुझ में। मगर फिर किस रिश्ते से आएंगे आप? उसी रिश्ते से जिससे पहले आया करता था। ये क्या हो गया है तुम्हारे साथ दुआ? तुमने किसे चाहा था और किस मनहूस इंसान को तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है? मैं तुम्हें खुशियों की दुआ कैसे दूं?
तुम नहीं जानती हो वो सांप है, सांप है वो। अरे डैड के जाने के बाद आप अकेली हो गई, सारी जिंदगी खुशी नहीं मिली आपको, और अब आप हम दोनों को खुश नहीं देख सकती क्योंकि आप हमारी खुशी से जलती हैं। अरे अम्मी सालों भर की भड़ास तो आप हम दोनों पर निकालती रही हैं। आप समझती हैं कि डैड की डेथ की वजह से आप इस तरह की हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर आज भी डैड जिंदा होते ना तो तब भी आप इस तरह होती। सबकी खुशियों की दुश्मन। Extremely sorry. मैं अपनी ये फाइल भूल गया था, मां बस वो लेने के लिए आया था। सी किसकी कॉल थी? नहीं वो अम्मी की कॉल, बाद में बात कर लो। मेरा सलाम कह रहा, सॉरी। यार वो मैं दुआ को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बार बार कॉल काट रही है। अब आपसे कभी बात नहीं करेगी मेरा भाई। क्या मतलब? दुआ की शादी हो गई है आमिर भाई से। क्या हुआ मीरा? मीरा कल रात तो आपकी शादी हो गई यार। किसके साथ? आमिर। क्या? मेरा भाई तुमसे इतनी मोहब्बत जो करते हैं, शादी की मेहंदी पर होने वाली शोहर की मोहब्बत का रंग आता है। सुना तो कुछ ऐसे ही है।
पर अगर शादी उससे नहीं किसी और से हो जाए तो? दुआ तुम जब भी खुश होती हो ना बहकी बहकी बातें करती हो, कम बोला करो तुम। क्या हो गया? मैंने ऐसे पूछा था, इतना गुस्सा कर रही हूँ। जी बेबी। आमिर साहब का? वो बाहर गए। अब तक वापस नहीं आए? कोई भी नहीं है। बाकी मुलाजिम वगैरह का? औरत बीबी ने सबको निकाल दिया। आप जाए। थैंक यू। बाहर क्यों नहीं आ रही थी कमरे से? बस ऐसे मुझे नींद नहीं आ रही थी सारी रात। आपको भी? सुना लो तुम भी माँ को बातें मीरब की तरह। आपको अंदाजा भी है कि मीरब के साथ साथ आपने इन लोगों के साथ क्या किया? लोगों ने भी मेरे साथ कुछ ठीक नहीं किया। अपनी बेटी की सच्चाई छुपाई है उन लोगों ने मुझसे। अम्मी, मीरब ने मना किया था और मैंने भी। तो तुम दोनों बहन भाइयों की मिली भगत थी ये। मेरी औलाद मेरी नहीं है। सलमान को भी आपका रवैया अच्छा नहीं लगा। सब ठीक हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे सब कुछ कुछ दिनों बाद। पता नहीं मीरब कहाँ चला गया। तमशा ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मीरब कहाँ है। हसन के घर गया हुआ। अम्मी, अम्मी। हाँ राही, अब क्या बुरी खबर लेकर आ गए तुम? मैं तो बस खबर लाया हूँ, अच्छी है बुरी है सुनकर खुद ही फैसला कर लें। बोलो। हाँ आमिर भाई की शादी हो गई है अरत बाजी की छोटी बहन दुआ के साथ। क्या? ये तो चलो बहुत अच्छी बात हुई। क्या खाक अच्छी बात है अम्मी। तो इसमें बुराई क्या है राहिल? अम्मी इसमें अच्छाई क्या है? तुम क्यों इस तरह सोच रहे हो? और मुझे ये बताओ कि ये बात तुम्हें बताई किसने? फहद भाई के दोस्त अली ने बताई। ऐसी खोज का क्या फायदा राहिल, जो आखिर में झोली में पत्थर भर दे। तो आप ही बता देना फिर कैसे मिलेंगे मुझे फूल। उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह करे वो खुश रहे, इसी में तुम्हारी खुशी है।
मान गए यार। मैंने तुझसे पहले भी कहा था दुआ सिर्फ मेरी होगी। जिस तरह से तूने उसको हासिल किया है ना, कमाल हो गया। वैसे एक्चुअली अभी मैं ये सोच रहा हूँ, तुम पुलिस वालों को तो सिर्फ लोगों की बददुआएं मिलती हैं, मेरे से कुछ सीख लो यार। ना सिर्फ दुआ मेरी हो गई बल्कि उसकी वालदा सारी जिंदगी के लिए सिर्फ मेरी एहसान मंद है कि कैसे ऐन मौके पर मैंने दुआ का हाथ थामा। वैसे उनको एहसान मंद होना चाहिए तुम्हारा, जिस तरह से तुमने उनको मुश्किलात से निकाला है ना। अरे सोच यार, अगर मैं उस वक्त इनकार कर देता, मैं कहता कि नहीं मैं तो दुआ का हाथ नहीं थामूंगा, वो बेचारे तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहते। सही बात है, तूने मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही कहा था। नहीं मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है अच्छा हो गया यार, तुम्हारे ससुराल वाले भी तुमसे खुश हैं और तुम्हारा भी काम बन गया। चलो चलता हूँ, घर जाना है, घर पे दुआ मेरा इंतजार कर रही है। जा यार अपनी नई बीवी के पास जा। चल बाय। बोलो मेरे। कुछ बोलने को बाकी है क्या? इसीलिए तो कह रही हूँ तुम बोलो, तुम्हारे पास कुछ बोलने को बचा नहीं और मेरा सब उजड़ चुका है। तुम मुझे कसूरवार समझ रही हो क्या? नहीं, कसूर तो मेरी माँ का है जिसने मेरा नाम दुआ रखा, लेकिन तकदीर मेरी किसी बददुआ जैसी है। तुम खुद को इल्जाम क्यों दे रही हो यार? और किसको तुम्हें इल्जाम दे नहीं सकती, और कोई और इल्जाम लेने को तैयार नहीं। मैं ही तुम्हारा गुनहगार। अपने गुनहगार को तो मैं कब से माफ कर चुकी हूँ, लेकिन अब लगता है जैसे मेरी दुआओं की तरह मेरी माफी भी रद्द हो गई है। इसीलिए तो बार बार पलट के मेरा गुनाह मेरे सामने आ जाता है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैंने ही तुम्हें वापस जाने को कहा, और आंटी भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई कैसे जैसी लड़की को अपना सकते हैं? तुम बहुत अच्छी हो, तो तुम भी अच्छाई का मुजाहिरा करो। क्या भूल जाओ मुझे? दुआई कैसी बातें कर रही हो यार, प्लीज नहीं करो ऐसे। मैं अब किसी और की बीवी बन चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती। वो से बात हो रही थी मीरा से।
क्या बात हो रही थी? खुदा हाफिज कह रही थी। क्यों? खुदा हाफिज ना कहती तो क्या कहती? आपकी बीवी हूँ, आपके साथ बाबा पा रहने। I'm really sorry. लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इतना बुरा नहीं हूं मैं कि सब कुछ जानते बूझते भी तुम दोनों के दरमियान आ जाओ। तुम समझो तुम मीरब की अमानत हो मेरे पास। ये क्या कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। Honestly, मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही हालात ठीक हो गए तो बस। फिर क्या होगा? वही होगा जो तुम चाहोगी। आइंदा ऐसी बात मत कीजिएगा, मैं जीती जागती लड़की हूँ, कोई गुड़िया नहीं जो आप सजा के किसी के लिए रख देंगे। एक ने मुझे अमानत बना दिया और एक बाबा रहने खेलता जा कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरे भी तुमसे यही मुतालबा। प्लीज सुनो, मैं आई एम सॉरी, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम खुश रहो। मीरब से ताल्लुक खत्म कर चुकी हूं। ताल्लुक इतनी आसानी से कहां खत्म होते हैं? जानती हूं, इसीलिए थोड़ा वक्त मांगा है आपसे। मैंने तो अपनी सारी जिंदगी का वक्त तुम्हें दे दिया। चुका उस पर कुड़ने का फायदा। कुड़ नहीं रही हूँ फहाद। फहाद के दुआ की शादी मीरब से नहीं हो सकती थी जिसे वो प्यार करती थी। इतनी शिद्दत से मत सोचो फारिया। क्यों ना सोचूं मैं शिद्दत से? फहाद जिस शख्स से मैं इतनी नफरत करती हूँ वो आज मेरी बहन का शौहर बन चुका है। इस नफरत को यहीं खत्म कर दो। और ये नफरत तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, तुम्हारे अंदर तलखी पैदा कर रही है। दुआ आमिर भाई की बीवी है, उनसे नापसंदगी तो दूर। अब तुम्हारे मुंह से उनके खिलाफ एक बात तक नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि ये बात दुआ की जिंदगी के लिए ठीक नहीं साबित होगी। और फारिया, तुम अब उन्हें आमिर भाई नहीं, दुआ का शौहर समझोगी, ठीक है? मजबूरी है, यही समझना पड़ेगा। शाहीना का कोई बेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बेटों से बढ़ के हो। आमिर बेटा, मुझे तुम पर फखर है, और अगर आज तुम्हारी हकीकी माँ भी होती उसे भी तुम पे फखर होता। आप मेरी हकीकी माँ ही तो हैं, और वैसे भी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने दूसरी बार भी माँ के रूप में आप ही को मुझे दिया। बेटा, तुम्हारी इस बात ने मेरा फखर और बढ़ा दिया है, लेकिन अगर तुम अपनी इस माँ से नाराज हो तो मुझे बता दो, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी। नाराज क्यों होंगी आपसे? बेटा, मैंने तुमसे पूछे बगैर अपना हुक्म सादर कर दिया, जबकि मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये नया रिश्ता आसान साबित नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप मेरी बड़ी हैं, मेरे लिए आप जो भी फैसला करेंगी बेहतर ही होगा। मैं सारी जिंदगी एहसान मंद रहूंगी तुम्हारा। पप्पू, आप ही बताइए, कभी कभी माओं के सर पे भी बेटे एहसान करते हैं? दुआ,
हमने कुछ खाया नहीं, लो बेटा खाना खाओ ना। भूख नहीं है, मैं कमरे में। चलो तुम खाओ, खाओ बेटा। वो मैं बस चाह रहा था, तो मैंने कहा तुम्हें बता दूं। ठीक है, तुम्हें जितने दिन भी रहना हो तुम यहीं रह सकती हो, मैं फोन करके बता दूंगी। हाँ तो मैं फिर जाता हूं। ख्याल रखना अपना। हाँ भाई।